नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल में। और इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं काशीपुर में। जी हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर काशीपुर में ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। संख्या में जो लोग हैं वो भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी उर्मिला भी आज मिले और आपको बताएं कि किस तरह से आज की रैली है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर काशीपुर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आपको आगे भी हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो है 135वीं जयंती है, जिसको मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप सुरागिला लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर युवा वर्ग जो है बहुत उत्साह से इस जयंती को जो है मना रहा है। झंडा फहराया जा रहा है, वहीं वाहनों को सजाकर जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको हर तरफ जो है वाहनों के ऊपर बाबा साहेब की तस्वीरों के साथ झंडे दिखाई देंगे। वहीं बाबा साहेब की जो है संविधान के साथ में यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। कहा जाता है कि बाबा साहेब जो है संविधान निर्माता है और ये सब हमारे सामने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी जो जयंती है आज युवा वर्ग द्वारा बहुत ही जश्न के साथ यहाँ पर मनाई जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं सामने पोस्टर लगे हैं, कलम के बादशाह लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं कलम के बादशाह। उनकी कलम से जो है हमारा संविधान जो है उसको निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उनकी जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं सुरागिला न्यूज चैनल पे लाइव तस्वीरें, अपनी सहयोगी अनुश्री भारद्वाज के साथ मुंजिला फातिमा। ऐसी सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सुरागिला न्यूज चैनल से, और फिर एक बार आपके सामने लेकर आएंगे हम ऐसी ही अलग अपडेट्स।